तो जो जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं ना, उस केस में वॉल्यूम पीछे को जाएगा बेटा, वॉल्यूम को रिड्यूस करना है। तो कंप्रेशन वाले केस में ग्राफ बनता है ये वाला, और एक्सपेंशन वाले केस में ग्राफ बनेगा ये वाला। दोनों में अलग अलग आंसर है। इस बार सबसे ज्यादा एरिया जो है ना वो एडियाबेटिक के नीचे है, तो इसका आंसर आना था एडियाबेटिक। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए बेटा, क्योंकि बाद में ये गायब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। वर्क डन 0 किस प्रोसेस में? वर्क डन का फॉर्मूला dW इक्वल टू PdV, वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, यानी कि वॉल्यूम का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन 0। 0 डिफरेंशिएशन आती है कांस्टेंट की, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। उस प्रोसेस में वर्क डन इज ऑलवेज 0, तो आंसर इज आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, ए बी सी जो है वो आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो कौन सा प्रोसेस कौन सा है वो तो अब आपको आता है ना। सी को क्या नाम दें? सी आइसोबारिक। आइसोबारिक। चलो अंश बेटा बी को क्या नाम दें? बी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, वेरी नाइस। अमितोज बेटा ए को क्या नाम दें? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। बस वो वाला ऑप्शन ढूंढ लो कि कौन सा सही बैठता है इसमें। तो ए इज एडियाबेटिक, बी इज आइसोथर्मल, सी इज आइसोबारिक, तो ऑप्शन ए ही सही ऑप्शन है। चलो कुछ खास नोट करने वाला नहीं था आपके लिए। असर्शन है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डजंट चेंज ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। तो बेटा इंटरनल एनर्जी का जो चेंज था ना डीयू, उसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एन सी वी डी। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी कि डीटी का वैल्यू 0, तो ऑब्वियस है डीयू का वैल्यू भी 0 आएगा, तो असर्शन जो है वो ट्रू है, करेक्ट है। रीजन लिखा है, द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस इज कंपेंसेटेड बाय कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट इन अकॉर्डेंस विद बॉयल्स लॉ। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं आइसोथर्मल में, तो गैस का जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है वो कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रेशर के इक्वल आ जाता है, यानी जो हमने हीट डी क्यू की बात करेंगे वो इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन। तो जो वर्क आप करोगे ना गैस पे, उसके कारण जो है वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मतलब है तो ये भी ठीक है, लेकिन इसका ये सही रीजन नहीं है। रीजन इज टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, राइट? तो रीजन करेक्ट है, लेकिन वो सही एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। दोनों चीजें ट्रू है, लेकिन तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट जो रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पॉइंट दोनों ठीक है। इसका रीजन होना चाहिए था कि टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो एन सी वी डी टी के इक्वल होता है, ये लिखना चाहिए था। ये रीजन लिखा होता तो फिर ए ऑप्शन सही आ जाता। चलिए, सीपी ग्रेटर देन सीवी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हमें वर्क करना पड़ता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क नहीं करना पड़ता। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में नो वर्क नीड्स टू बी परफॉर्म्ड, दैट इज डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में जब गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे गर्म करते हैं तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो वर्क डन 0 होगा। तो हमें सिर्फ हीट चाहिए इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, जब गैस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे गर्म करेंगे, क्योंकि
क्योंकि वर्क डन इस केस में जीरो आएगा, तो कम हीट चाहिए। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे गर्म करेंगे उस केस में वर्क भी होगा, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे नो वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड, इसलिए सीवी का वैल्यू कम और सीपी का वैल्यू ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके थे, एक हीटर जो है ना एक सिस्टम को 1000 वाट यानी कि 1000 जूल पर सेकेंड एनर्जी दे रहा है और सिस्टम जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहा है 700 जूल पर सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन था, हीट गिवन पर सेकेंड दी है आपको और वर्क डन पर सेकेंड भी दिया है, क्योंकि हीट एडिड टू द सिस्टम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आपको रेट ऑफ सप्लाइंग हीट दिया है और रेट ऑफ डूइंग वर्क भी दिया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आपको निकालना है, इतना ही है बस, बहुत सिंपल। ये 1000 पहले भी किया हमने क्वेश्चन, ऐसा एनसीईआरटी में भी था, 700 ये आपको कैलकुलेट करना है डी यू बाई डी टी, तो 700 को इधर ले जाओ बस, 300 आंसर, 300 जूल पर सेकेंड, वेरी इजी। नोट करने की जरूरत नहीं है, इजी है, समझ आ गया तो इन फ्यूचर आप कर लोगे इसको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, एक बाइसिकल वॉल्व निकाल दें टायर में से तो जो एस्केपिंग एयर है वो ठंडी हो जाती है। रीजन ये है कि जो टायर है ना बेटा उसमें जो हवा भरी होती है वो होती है प्रेशराइज्ड। प्रेशराइज्ड मतलब वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। जब ये एयर में निकलेगी वापस बाहर तो इसका प्रेशर हो जाएगा लो और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और लेकिन ये प्रोसेस होगा सडन। तो आपको बताया है कि जितने भी सडन प्रोसेसेस होते हैं ऑल आर एडियाबेटिक, राइट? सभी प्रोसेस एडियाबेटिक नेचर है। एडियाबेटिक नेचर में अगर गैस एक्सपैंड होती है तो हमने पढ़ा टी इंटू वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वॉल्यूम ये पावर ना पॉजिटिव आएगी, गामा की वैल्यू ना वन से बड़ी होती है, लाइक गामा इज लेट अस से 5/3, 5/3 में से 1 माइनस कर देंगे तब भी 2/3 आएगा, तो V का पावर 2/3 इंटू टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर वॉल्यूम बेटा बढ़ गया तो कॉन्स्टेंट उतना ही आने के लिए टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा, जैसे 5 × 4 होता है 20। अगर 4 की जगह मैं 8 कर दूं, वॉल्यूम बढ़ा दूं 4 से इंक्रीज करके 8 कर दूं, तो मुझे ये जो टेम्परेचर है ना वो 2.5 करना पड़ेगा, तब 20 आएगा बेटा। अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो इसको आधा करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर फॉल्स ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और जितने भी सडन प्रोसेस है वो एडियाबेटिक नेचर के होते हैं। तो बस इसका आंसर है एडियाबेटिक एक्सपेंशन लीड्स टू कूलिंग, और यही रीजन मैंने लिखवाया था आपको कि जो हिल एरियाज हैं दे आर कोल्डर एज कम्पेयर टू प्लेन्स, क्योंकि वहां पे पहुंचते पहुंचते जो एयर है ना तो ऊपर को जाते हुए एयर का बेटा ऊपर जाके ना प्रेशर कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है एयर की, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो गैस जब एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगी तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। इसी कारण जो एरोप्लेन्स है ना बेटा उनको और भी ज्यादा हाइट पे उड़ना है तो उसके अंदर एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज मस्ट, तभी तो एरोप्लेन की खिड़की खुलती नहीं है। बस की खिड़की तो खोल लेते हो आप, प्लेन की खिड़की नहीं खुलेगी, क्योंकि प्लेन की खिड़की खोल दी तो माइनस टेम्परेचर, बेटा अगर मैं हिमालयस की बात करूं तो वहां पे अगर -30°C के आसपास है तो ऊपर जाके बेटा और कम हो जाएगा, -40°C हो जाएगा। कई बार जो है वो पायलट अनाउंसमेंट भी कर देते हैं कि बाहर का टेम्परेचर 20 इतना है एंड यू आर एंजॉयिंग इनसाइड द प्लेन एट 25°C। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर जो है वो लोअर हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है, कार्नोट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। रीजन बेटा एफिशिएंसी का फॉर्मूला था 1 - T ऑफ सिंक / T ऑफ सोर्स, ठीक है। अगर परसेंट में निकालनी है एफिशिएंसी तो 200 भी करना होता है, तो अगर एफिशिएंसी 100% आपको चाहिए, 100 से 100 कैंसिल, तो इधर बचा 1। उसके लिए आपको 1 को इधर ले जाओ, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, T2 by T1 को लेफ्ट पे ट्रांसफर कर लो, फिर T1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो,
इट गिव्स यू टी टू इक्वल टू जीरो केल्विन। तो सिंक का टेम्परेचर जो है वो जीरो केल्विन चाहिए, और जीरो केल्विन टेम्परेचर कभी अचीव नहीं होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। तो इसका आंसर आना था इट रिक्वायर्स सिंक टू बी एट जीरो केल्विन विच इज नॉट पॉसिबल। नोट करना चाहते हो बेटा नोट कर लो, इसको लिख लो, क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। तो अगर एक इंजन आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर पे काम करता है, आइस पॉइंट होता है 0°C, स्टीम पॉइंट होता है 100°C, बट जैसे मैंने आपको बताया हुआ है एफिशिएंसी को परसेंट में निकालने के लिए 1 माइनस T2 बाय T1 को इनटू 100 भी करना होता है, राइट। और दूसरा प्रिकॉशन बताया था कि आपको ये टेम्परेचर्स डिग्री सी में ना लिख के केल्विन में लिख लें, और छोटे वाला टेम्परेचर T2 होता है, बड़े वाला टेम्परेचर T1 होता है। तो 100 को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो वो आएगा 373, 0 को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो आएगा 273, दोनों को मल्टीप्लाई करके ना इनटू 100 करेंगे तो ये 26.8% आंसर आता है। बाकी एक बार करके देख लो अपने आप। तो एक रेफ्रिजरेटर जो है उसका अंदर का टेम्परेचर है 5°C, लोअर टेम्परेचर मैंने बताया आपको कि T2 लिखना है लेकिन केल्विन में, और बाहर का टेम्परेचर है 45°C, हायर टेम्परेचर को T1 लिखते हैं। रेफ्रिजरेटर के लिए कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको ओमेगा भी लिखा था, दैट वाज इक्वल टू आउटपुट इसकी थी Q2 डिवाइड बाय वर्क डन, ये इसका इनपुट था। वर्क डन वी रोट एज Q1 माइनस Q2, और ये जो रेशो थी वो टेम्परेचर के रेशो के इक्वल भी थी। तो आपसे पूछा है कि जब 800 जूल ऑफ वर्क करता है रेफ्रिजरेटर तो वो कितनी हीट अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, कितना ठंडा कर देता है, अंदर से कितनी हीट खींच लेता है, Q2 आपको निकालना। तो Q2 निकालना था, वर्क डन आपको 800 जूल दिया हुआ था और टेम्परेचर दिए हुए थे लेकिन केल्विन में चेंज करना, 5°C को केल्विन में चेंज करोगे तो आएगा 278। और नीचे T1 माइनस T2 करोगे उसको चाहे ना सीधा ही 40 लिख दो आप, चलेगा वो भी, पता क्यों? देखो मैंने बताया था कि जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो अगर डिग्री सी में एक्स है ना तो वो केल्विन में भी एक्स ही होता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर यूनिट पे नहीं डिपेंड करता, सेल्सियस में केल्विन में सेम आता है। तो चाहे तो इनको आप केल्विन में चेंज करके तो माइनस कर लो तब भी 40 आएगा, सीधा ही सी में माइनस कर लो डिग्री सी में तो भी 40 आएगा। चलिए ये कैंसिल हो गया आपका 20 पे, 20 को इधर ले जाओ, कितनी हीट रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल दी वो निकल आएगी। तो 5560 जूल आंसर आएगा, सिर्फ 2-3 बच्चों का ठीक है बेटा, ज्यादा का ठीक नहीं क्वेश्चन ये वाला। चलो अब एक बार जरा नोट डाउन भी कर लीजिए। सिर्फ 40 कैसे है सर? हाँ बेटा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, अंदर का और बाहर का टेम्परेचर डिफरेंस, 45 में से 5 माइनस कर लो 40 आ गया। कार्नोट इंजन में W1 वर्क जो था ना वो हीट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स था, W3 was heat rejected to the sink Q2, और ये W2 और W4 exactly equal थे, adiabatic वाले। तो जब हम बेटा works को minus कर रहे थे ना, W1, W2 work जो थे वो गैस ने किए थे, इसमें से W3, W4 जब हमने minus किए तो W2 से W4 पूरा पूरा cancel हो गया था। If you look at the derivation of Carnot engine, तो नेट वर्क डन बचा था अपने पास W1 माइनस W3, और यही इसका सही आंसर था। ये पूरे साइकिल में जो नेट वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन, वो W1 माइनस W3 के इक्वल था, तो सेकंड चॉइस इसमें सही थी। चलिए
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो आपको आता है, इसमें कुछ खास नहीं है ना। दो सिस्टम अगर एक थर्ड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनको अगर आपस में भी रखेंगे कॉन्टेक्ट में, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, इसमें तो कुछ खास मंत्र नहीं पढ़ना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो फोर्थ ऑप्शन सही आना था। चलिए अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कि जो एनर्जी हमने दी ना बेटा वो दो जगह यूज हो गई, कुछ यहाँ पे लग गई कुछ यहाँ पे लग गई, वो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है, डेल्टा डब्ल्यू जीरो, इसलिए आइसोकोरिक में विच इक्वेशन इज ट्रू। तो आइसोकोरिक में बेटा अगर वर्क डन जीरो है तो अकॉर्डिंग टू दिस वेरी इक्वेशन डी क्यू इक्वल टू डी यू आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन अपना था, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज गिवन एज, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क डन निकालना होना तो इसको इंटीग्रेट करना होता है फ्रॉम वी वन टू वी टू। तो आइसोबारिक प्रोसेस में व्हाट इज कांस्टेंट? प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है। तो बेटा कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में बाहर निकाल देते हैं तो पी आ गया बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी करना था सिर्फ। इंटीग्रल ऑफ डीएक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स है ना, तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी आएगा वी, बस लिमिट डाल दो आंसर आ गया। अपर लिमिट डालेंगे वी की जगह वी टू पुट कर दीजिए, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे वी की जगह वी वन पुट करिए। तो पी इंटू वी टू माइनस वी वन इज वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, इसको भी एक बार नोट डाउन करेंगे बेटा। तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, उसको हमने 27 एटमॉस्फेयर कर दिया, लेकिन टेम्परेचर 27 से कहां पे पहुंच जाएगा? तो 27 डिग्री सी के अगर केल्विन बनाएंगे तो 273 ऐड करके 300 के आ जाएगा। तो आपको P1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा बाय गामा इंटू T1 इक्वल टू P2 पावर अगेन 1 माइनस गामा बाय गामा इंटू T2, T1 को 300 पुट कर देंगे, और ये जो नंबर है ना 1 माइनस गामा बाय गामा, तो 1 माइनस 1.5 बाय 1.5 है ना, ये आएगा नेगेटिव 0.5 बाय 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 पे आ जाएगा कैंसिल बेटा। तो ये P1 का पावर जो है वो माइनस 1 बाय 3 आएगा, माइनस 1/3। चलिए तो आपको क्या करना था, P1 को पुट करना था बेटा 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 का पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहता है वो। T1 को पुट करना था 300, T2 निकालना है, P2 इज इक्वल टू 27, लेकिन 27 की पावर माइनस 1/3 कर देंगे, तो नेगेटिव पावर आप जानते हैं ना नीचे आ जाती है ना, तो नीचे जाके पावर प्लस हो जाएगी, और नीचे जाके प्लस हो जाएगी दैट मींस जो 27 को ना हम 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, इसका क्यूब रूट लेंगे तो 3 आएगा बेटा। तो बेसिकली इट इज T2/3, ये वाला 3 उठा के बेटा लेफ्ट पे ले जाओ, तो 300 × 3 इक्वल टू 900 केल्विन आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत है बेटा, तो एक बार जरा नोट डाउन करेंगे इसको, जिनका 900 आया वेरी नाइस वेरी गुड। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखो, मैंने अभी भी एक्सप्लेन कर दिया वैसे है ना, एमसीक्यू में भी था। तो गैस को जब कंप्रेस करेंगे तो बी केयरफुल बेटा, जो टेस्ट होते हैं ना उसका पर्पस यही होता है कि आप ना जो गलतियां करनी कर लो पहले, अभी कर लो ताकि पेपर में ना हो। जब गैस को कंप्रेस करना है तो वॉल्यूम पीछे को जाना है बेटा, ग्राफ जो है वो राइट से शुरू होके लेफ्ट की ओर जाएंगे,
तो इस केस में सबसे ज्यादा जो एरिया था वो था एडियाबेटिक कर्व के नीचे। तो जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो मैक्सिमम वर्क आपको मिलेगा एडियाबेटिक कंप्रेशन में। तो इसका आंसर आना था एडियाबेटिक प्रोसेस, और अलोंग विद ग्राफ ही एक्सप्लेन करना था। तो क्वेश्चन था कि हमें प्रूव करना है एडियाबेटिक पीवी कर्व जो है ना वो आइसोथर्मल वाले प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से ज्यादा स्टीप है, ज्यादा स्लोप वाला है। एडियाबेटिक में P और V का इक्वेशन होता है PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और स्लोप के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट कट बताया था, जब हम ना पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया करते थे ना इन काइनेमेटिक्स, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हुआ करता था वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हमने वहां पे रिपीटेडली dx by dt भी लिखा था। तो x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप निकालना है तो dx by dt निकालना होता है। इसका मतलब है अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का स्लोप निकालना है तो आपको dx की जगह पे dp और dt की जगह पे dv, dp by dv आपको निकालना है। dp by dv निकाल देंगे तो बेटा स्लोप निकल आएगा। चलिए, आइसोथर्मल में इक्वेशन होती है प्रेशर वॉल्यूम की pv इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबेटिक में इक्वेशन होती है pv पावर गामा कांस्टेंट। तो यहां से आपने dp by dv निकालने हैं। चलो इसको करेंगे डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल। एक बार p बाहर आ जाएगा, v पावर n हो तो n आगे v का पावर n माइनस 1, एक बार v पावर गामा को बाहर छोड़ेंगे तो dp by dv आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमें dp by dv निकालना था, इसको राइट पे ट्रांसफर कर लीजिए, नेगेटिव हो जाएगा इधर आके, और v पावर गामा को नीचे लगाएंगे तो गामा इंटू पी, और इसको बेटा इकट्ठा करेंगे ये 1 बाई वी बचेगा, सो स्लोप इज माइनस गामा इंटू dp by dv। ये स्लोप है एडियाबेटिक का। आइसोथर्मल में pv इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो p को बाहर कर दिया, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आएगा 1, फिर v को बाहर छोड़ा dp by dv कांस्टेंट का 0, यही निकालना है हमें। p को इधर ले जाओ माइनस p, ये जो v लगा हुआ था यहाँ पे उसको नीचे ले जाओ माइनस p by v। दोनों जो ग्राफ है ना उनके स्लोप हैं नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ जो है ना वो नीचे को आता है, तो इसमें ग्राफ भी बनना था। तो अंकिका चैटर्जी का टेस्ट है ये, ग्राफ नहीं बनाया आपने, नंबर कटेंगे। तो आइसोथर्मल वाला बेटा स्लोप दोनों नेगेटिव है, ग्राफ दोनों नीचे को आएंगे, लेकिन आइसोथर्मल वाला स्लोप जरा कम होगा, एडियाबेटिक वाला स्लोप ज्यादा आएगा। ऊपर वाले को आइसोथर्मल, नीचे वाले को एडियाबेटिक। तो जिन बच्चों ने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया बेटा उनका हाफ नंबर कट जाएगा, बाकी ठीक है सारा कुछ। चलो एक काम करो, स्क्रीन को मैं ब्लैंक कर रहा हूं फिर से एक बार, ये दोनों स्टेप सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट ओनली यहां तक आना है, और इधर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके ये लेके आइए। मैं स्क्रीन को ब्लैंक कर रहा हूं, एक बार अपने आप लिखिए बेटा, और ग्राफ भी बनाइए अपने आप। फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस थे, एक तो ये नहीं बताता कि कितना हीट जो है ना और किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, दूसरा ये नहीं बताता कि किसकी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीधे सीधे सिंपल पॉइंट से। एंड थर्ड वाज क्या हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी क्या इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है। ये पॉइंट जो है ना वो फर्स्ट लॉ में एब्सेंट थे, उसके लिए फिर सेकेंड लॉ बनाना पड़ा। कई बच्चे ना ये नेम्स को आपस में उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, सो बी केयरफुल कि किसकी स्टेटमेंट कौन सी है। चलिए, रुडोल्फ क्लॉसियस वाले स्टेटमेंट थी कि हीट को जो कोल्ड बॉडी से अगर हॉट तक लेके जाना है ना तो अपने आप नहीं जाती, ले जानी है तो वर्क करना पड़ेगा। और लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट थी कि आपको अगर किसी बॉडी की हीट एनर्जी को वर्क में चेंज करना है तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग्स के टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए, अगर नीचे चला गया ठंडा हो गया सराउंडिंग से भी टेम्परेचर तो उसकी हीट से आप वर्क नहीं ले पाएंगे, इम्पॉसिबल टू गेट द वर्क इफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फ्रॉम
which the heat is to be drawn is cooler than that of its surroundings. तो उसकी हीट से वर्क नहीं कर पाएंगे. चलिए इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स में टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन एक बनाना था एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए. तो किसी किसी बच्चे ने ना सीधा पीवी पावर गामा से स्टार्ट कर दिया. उनको बेटा इस पार्ट का मिलेगा सिर्फ एक नंबर. जिन्होंने सिर्फ इतना किया है उनको वन मार्क मिलेगा. क्वेश्चन तीन नंबर का है. इतना सा लिखने से, चार लाइनें लिखने से बेटा तीन नंबर नहीं आएंगे. तो आपको पहले ये पीवी पावर गामा जो है ना ये भी निकालना है. तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए लिख के देख लेना बाद में, अभी तो टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये लंबा काम है थोड़ा सा. तो डी क्यू जो है वो एडियाबेटिक में जीरो होता है, डी डब्ल्यू पी डी भी होता है, और सी वी की वैल्यू ना एक मोल के लिए. ये लिखना है, कभी बच्चे ना ये चीजें लिखते नहीं है बीच में कि एक मोल लिया गैस का. वन मोल के लिए वन सी वी डी टी. तो हमें जो रिलेशन निकालना पहले वो प्रेशर और वॉल्यूम का निकालना है, इसलिए हमें यहाँ से डी टी को हटाना है. कोई भी डेरिवेशन जो है ना उसमें स्टेप्स याद करने होते हैं तो वो जल्दी याद हो जाती है. डी टी को हटाने के लिए पी वी इक्वल टू वन आर टी, एक मोल था ना. अच्छा ये ज्यादा छोटा तो नहीं नजर आ रहा है, बड़ा करो साइज में, जस्ट वन अभी इंक्रीज कर देता हूं. अब ठीक है आई थिंक. तो यहां पे वन आर टी पुट करना है और डी टी का वैल्यू पुट करने के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना था. तो एक बार पी बाहर, वी का डेरिवेटिव डीवी, फिर v को बाहर छोड़ दीजिए, p का डेरिवेटिव dp, r तो कांस्टेंट है बाहर छोड़ दीजिए dt. तो यहां से dt का रिलेशन ये r लेके जाइए नीचे, pdv plus vdp by r. इसको इक्वेशन नंबर वन में डाल दो dt की जगह. तो dt की जगह आपने ये डाल दिया. अब r से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को और ब्रैकेट ओपन, जीरो इंटू आर करेंगे जीरो ही आएगा. यहाँ पे आएगा r इंटू pdv, ये वाला आर कट जाएगा और बनेगा सी वी पी डी वी एंड सी वी वी डी वी. ओके, इसके बाद पी डी वी दोनों में से कॉमन निकालो, वो आ गया आपका अंदर सी वी प्लस आर, सी वी प्लस आर को सी पी लिख सकते हैं. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, पूरी इक्वेशन को सी वी इंटू पी इंटू वी से डिवाइड कर. तो CP by CV आ जाएगा यहाँ पे, P से P कैंसिल, CP by CV को गामा, इधर CV भी कैंसिल और V से V भी कैंसिल, ओनली बचेगा DP upon P. अब इसको करना है इंटीग्रेट. 1 by V DV का इंटीग्रेशन log V, DP का इंटीग्रेशन P, और 0 का इंटीग्रेशन बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कांस्टेंट आएगा. चलिए यहाँ पे अब एक फॉर्मूला लगा हुआ है, लॉग ऑफ ए पावर बी होता है बी इंटू लॉग ऑफ ए. तो ये जो बी जो है वो पावर में चला जाता है, यानी गामा जो है वो पावर में चला जाएगा. और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी. तो इन दोनों का लॉग लॉग करके एड किया तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ पी इंटू वी. तो अगर पी वी पावर गामा का लॉगरिथम कांस्टेंट है तो पी वी पावर गामा भी कांस्टेंट है. इसके आगे फिर आपने ना वी का वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन से आर टी अपॉन पी पुट करना था. पुट करने के बाद वी की जगह ये पावर गामा टी की भी हो जाएगी, आर की भी हो जाएगी, पी की भी हो जाएगी. लेकिन आर पावर गामा को इधर ले जाना तो आर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट होगी तो और कॉन्स्टेंट साथ डिवाइड करोगे तो नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा. और p पावर वन, ये p पावर गामा है, ऊपर जाके माइनस गामा हो जाएगा, p पावर वन माइनस गामा इंटू टी पावर गामा. ये भी लिख देंगे अगर तब भी बेटा पूरे मार्क्स मिलेंगे. इसने अगर ये निकाला है वो भी ठीक है. हाँ, दोनों तरफ जो पावर है ना वन बाय गामा कर देंगे, उससे थोड़ी सी मुक्ति मिल जाएगी. t का पावर तो वन हो जाएगा कम से कम, और p का पावर जो भी फ्रैक्शन वगैरह आएगा वो प्रेजेंट रहेगा. चलो इसको एक बार ना खुद से बेटा जिनका सही नहीं है एक बार दोबारा ट्राई कर लेना. ये अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स था ना.